हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने आप लोगों के लिए नेट हैबिट का जो शैम्पू है वो ऑलरेडी रिव्यू कर दिया है, एंड अलॉन्ग विद दैट आई गॉट टू मोर प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेट हैबिट। तो उसके लिए मैंने उनको भी यूज़ कर लिया है, दे आर स्किन केयर प्रोडक्ट। मैंने ऑलरेडी जो उनका एक प्रोडक्ट है जो कि है डे ये जो फेस मलाई है, आई थिंक मेरे पास दूसरा इसका वेरिएंट था पहले जो मैंने रिव्यू किया था, बट मुझे अब लगता है कि ये थोड़ा सा बेटर वर्जन है। आई थिंक आई हैड इट 2 years back, तो मे बी उन्होंने थोड़े से इसमें जो हैं चेंजेस किए हैं, थोड़ा और बेटर किया है। तो दिस टाइम दिस तो आई गॉट दिस, आई एम नॉट रिव्यूइंग राइट नाउ बिकॉज राइट नाउ आई वॉज डूइंग माई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। मैंने बाकी सब कुछ कर लिया है, द ओनली प्रोडक्ट मैंने रहने दिया जो आई वॉन्टेड टू रिव्यू। तो वो जो प्रोडक्ट है वो है ये, विच इज़ देयर फ्रेश व्हिप्ड ओवरनाइट मलाई नाइट रिस्टोर। और ये जो इनका वेरियंट है वो है कोको मोगरा। इसमें है विटामिन ई के, तो 30 ग्राम्स का ये है, एंड ये आप रात में लगाएंगे, एंड दिस इज़ मेड विद रॉ मिल्क एंड वॉश्ड देसी घी। तो ये है जो मैंने फर्स्ट टाइम ये यूज़ किया है। तो मैंने डे क्रीम जो है वो पहले भी यूज़ करी है, मैंने ऑलरेडी अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन है जो आई स्टिल हैव टू मेक वीडियो, जो मैंने पूरा चेंज किया है एंड इट्स वर्किंग वंडर्स फॉर मी। तो उसमें मैंने ये ऐड किया है, सो आई वोंट बी यूजिंग दिस एवरी डे, कुछ यू नो ऑल्टरनेट डे या ऐसे वीक में 2 दिन आई एम गोइंग टू यूज़ दिस बिकॉज इसकी एक शेल्फ लाइफ है, तो आई हैव टू फिनिश इट एंड आई एम रियली लाइकिंग दिस। तो आई वॉन्ट टू एड इट टू माई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। ऑलरेडी अपना आई क्रीम है वो लगा ली है, लिप क्रीम है लगा ली है, एवरीथिंग इज डन, ओनली थिंग इज दिस। तो आई एम गोइंग टू टेक 2 pumps ऑफ दिस, इवन 2 pumps आर नॉट रिक्वायर्ड। तो पहले एक ही पंप है जो दैट आई एम गोइंग टू टेक, एंड देन सी की कैसा कितना यूज होता है, बिकॉज बहुत ज्यादा प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। तो आई एम गोइंग टू यूज दिस, मैंने इसको यूज़ करा है अभी सिंस व्हेन आई गॉट इट, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये नाइट टाइम के लिए। इवन दो आई ऑलरेडी हैव यू नो होल प्रोडक्ट सब कुछ जो है, तो हाफ पम्प मैंने और ले लिया है फॉर माय नेक एरिया, क्योंकि इसको जब भी मैंने लगाया ना मुझे मॉर्निंग में बहुत अच्छा सा फेस लगता है, तो आई वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस। और दिस टाइम मुझे लग रहा है कि इनकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी काफ़ी बेटर है। जो पहले मैंने यूज़ किया था ना डे मलाई, वो मेरे को उसकी फ्रेग्रेंस नहीं अच्छी लगी थी और इतना मुझे तभी इफ़ेक्टिव नहीं लगा था, बट व्हेन आई एम यूजिंग राइट नाउ इस बार तो मुझे ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। बहुत ही यू नो मॉर्निंग में जब फेस वॉश करो ना तो बहुत ही अच्छा इसका फेस पे जो टेक्स्चर है वो बहुत अच्छा लगता है। तो वॉट आई डू एज ए सेड आई ऑलरेडी हैव एवरीथिंग एल्स ऑन नाउ, वेन एवर आई यूज़ एनी मॉइस्चराइजर आई यूज़ दिस, जो थोड़ा सा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेटर हो जाता है। तो ये मैंने नए मंगाए हैं बिकॉज आई हैड दोज इन रोज स्पॉट्स और वो मेरे हाथ से गिर गया था, तो वो मैंने ये दूसरा मंगाया है। सो आई एम जस्ट शोइंग हाउ आई डू इट एवरी नाइट, और मुझे इसका एक्चुअली मुझे इनका फ़ायदा ना दिखता है, मुझे अच्छा लगता है, मेरी स्किन मुझे इतनी अच्छी लग रही है ना आजकल, तो वट एवर आई एम डूइंग इज वर्किंग यू नो वेल फॉर मी। तो आप जब अपनी स्किन को ना बस ऊपर की साइड ऐसे ऐसे करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, सो आई डू इट लाइक 10 times बोथ साइड्स ना हेयर। मेरे पास एक छोटा वाला भी जो जेड रोलर आता है वो भी है इसके साथ साथ। तो व्हाट आई डू नाइट टाइम में तो आई डू विद दिस, एंड देन मॉर्निंग में व्हेन आई पुट समथिंग देन आई डू विद जेड रोलर। सो नाउ फॉर द फोरहेड, ये मैंने मॉइस्चराइजर लगा के कर लिया है, सो डेफिनेटली इसका जो टेक्सचर है दैट यू कैन सी कि अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, और
एक बहुत ही सटल फ्रेग्रेंस है जो अच्छी लग रही है मुझे, जो पहले मुझे अच्छी नहीं लगी थी, तो ये डेफिनेटली मुझे इस बार बहुत बेटर लग रहा है. फॉर राइट नाउ व्हाट आई डू, ये दोनों ही जो है आई कीप इट इन फ्रिज, तो बहुत यू नो अच्छी सी फीलिंग होती है. वैसे भी समर टाइम है और इनके प्रोडक्ट अगर आप फ्रिज में रखें तो मुझे लगता है बेटर होते हैं, तो इसीलिए ये जो है नाइट रिस्टोर वो आई कीप इट इन फ्रिज. एंड इसका जो इम्पैक्ट है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. एंड रादर देन यूजिंग केमिकल प्रोडक्ट्स, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो नेचुरल है और बिल्कुल तभी फ्रेशली मेड है, कोई इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो आई थिंक कि यूज़ करना चाहिए इफ़ इट सूट्स यू. तो दिस टाइम अराउंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सूट कर रहा है. सो दिस इज़ अ प्रोडक्ट विच आई विल श्योरली रिकमेंड कि अगर आपके पास कोई नाइट क्रीम अगर ख़त्म हो रही हो ना, तो एक बार ज़रूर इसको लेके देखिए. एंड उनकी सेल चल रही है तो आई थिंक थोड़ा बेटर और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. सो दिस इज़ द वन विच इज़ देयर फ्रेशली वेब्ड ओवरनाइट मलाई रिस्टोर, और इसका जो MRP है 497 है, बट यू विल गेट द डिस्काउंट इफ यू गो राइट नाउ बिकॉज दे हैव देयर आई थिंक 50% सेल गोइंग ऑन, तो आप उसमें ज़रूर चेकआउट करिएगा. बट ये मुझे बहुत अच्छा सूट कर रहा है, दैट्स आई वॉन्टेड टू रिकमेंड टू यू गाइज. बाय गाइज़.